रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ डिफरेंट आपके लिए लाई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो, टेस्टी और हेल्दी जो है आपके साथ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ और हम एक दूसरे के साथ वीडियो के ज़रिए जुड़े रह सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने बनाया है चिकन विंग्स और मटर गाजर स्टीम राइस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और दिखने में बहुत ही कमाल और खाने में बेहद यमी। तो आइए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया, उसके अंदर हमने पानी बॉईल कर लिया और नमक भी साथ ऐड कर दिया। ये देखिए बॉईल हो चुका, तो हमने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए। दूसरी तरफ हमने कुकर लिया, 3 से 4 प्याज हमने इसके अंदर डाल दिए और आधा कप साथ पानी डाल दिया और लहसुन और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिया। 10 से 12 जो है लहसुन और 10 से 15 जो है सब्ज़ तेज़ वाली मिर्ची थी, जिसका हमने पेस्ट बना लिया और साथ ही ऐड कर दिया। और साथ में हमने आधा किलो विंग्स ऐड कर दिए इसके अंदर और कुकर को बंद कर दिया। तो 5 से 7 मिनट के बाद हमने कुकर को ओपन किया और इसके अंदर हमने मसाला चाट स्पाइसेस ऐड की। 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया का ऐड किया, 1 चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया और 1 बड़ा चम्मच हमने नमक ऐड किया और साथ में हमने 1 पैकेट जो है चाइनीज़ नमक का ऐड कर दिया और इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया। 5 से 7 मिनट 8 मिनट हमने इनको अच्छे से जम के भुनाई की, क्योंकि ये देसी विंग्स थे तो इनको थोड़ा सा टाइम लगना था। अकॉर्डिंग टू नीड हमने घी ऐड कर दिया, क्योंकि देसी चिकन हमेशा कुछ देर से ही गलता है और इसका टेस्ट भी अलग होता है। ये कुछ अलग और डिफरेंट सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे अपने तजुर्बात होते हैं, डिफरेंट बनाती हूँ और जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ 1 किलो मेरे पास मटर थे निकले हुए, जो कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इनको ऊपर नीचे करके 2 से 1.5 मिनट ऐसे पकाया, फिर इनको बंद कर दिया चूल्हे को। मटरों को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, ताकि इसके अंदर जो है मसाला चाट रच बस जाए। और साथ में हमने जो अपने बॉयल राइस थे इनको एक छलने में छान लिया, इनकी पिच निकाल ली, इससे ये हल्के हो जाते हैं। और साथ ही हमने 1 चम्मच पतीले में घी डालकर चावलों को ऐड कर दिया। हमें ज़रा जल्दी थी, हम तह नहीं लगा पाए, लेकिन आप बिरयानी की तरह अगर तह लगाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। 1 कटोरी हमारे पास गाजर थी जो हमने डाल दी इसके ऊपर और चंद सब्ज़ मिर्ची डाल दी साथ ही में, और जो हमारे पास बना हुआ मसाला था सारा हमने एक साथ डाल दिया, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा काम करना था तो इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग जाना था, लेकिन आप इसकी तह बना के डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा 2-3 तहों के अंदर। इस तरह भी बहुत ही कमाल बना, बहुत ही टेस्टी बना। 1 अदद लीमू हमने इसके ऊपर जो है निचोड़ दिया और अपना जो खाना जो है हमारा तैयार हो गया। अब हमने इसको दम पे रख दिया। दम हम इसको तकरीबन कम से कम 35-40 मिनट लगाएंगे। साथ में हम और सालन या कुछ और तैयार कर लेते हैं इसी टाइम में। जैसे हमने सैलड तैयार कर लिया तो हमने दम को ओपन कर दिया आपके सामने। ज़बरदस्त यम्मी सा जो हमारा टेस्टी स्टीम पुलाव, मटर गाजर पुलाव, कमाल सा विंग्स पुलाव तैयार हो चुका है। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकें। तो जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो डिश के अंदर जब हम इसको ऐड कर देंगे तो साथ ही हम इसका, हमारे पास सब धनिया है बारीक कटी हुई, तो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। 1 बड़ी डिश के अंदर हमने निकाल लिया। आप इसकी रंगत देखिए, खाने में भी ये कमाल था, ऐसा ही ज़बरदस्त सा, यमी सा, टेस्टी सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।